हेलो डियर माय बेस्ट फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रक्षाबंधन पर निबंध, जो कि 23/8/2023 को मनेगा। तो चलिए हम निबंध देखते हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इसे दिन बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र या आयु की कामनाएं करती है। भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। यह राखी का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम यह पर्व सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। आजकल इस त्योहार पर बहन अपने भाई के घर राखी और मिठाइयाँ ले जाती हैं। भाई राखी बांधने के पश्चात अपनी बहन को दक्षिणा स्वरूप रुपए देते हैं या कुछ उपहार देते हैं। इस प्रकार आदान प्रदान से भाई बहन के मध्य प्यार और प्रागत होता है। सन 1535 में जब मेवाड़ की रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया तो उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार की थी, क्योंकि
रानी कर्णावती स्वय वीर योद्धा योद्धा थी, इसलिए बहादुर शाह का सम्मान करने के लिए वह स्वयं युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी, परंतु हुमायूं का साथ भी उन्हें सफलता नहीं दिला सका। इस दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, सभी का मन हर्ष और उल्लास से भरा होता है। बहनें अपने भाइयों के लिए खरीदारी कराती है तो भाई अपनी बहनों के लिए साड़ी आदि खरीदते हैं और उन्हें देते हैं। यह खुशियों का त्योहार है, अतः रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसी परंपरा है जो हमें आपस में जोड़ती है, इसलिए इसे आज भी सब धूमधाम और पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा।